नमस्कार, मैं हूं धनश्री के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में शासकीय शराब दुकानों का नई नीति के साथ नए ठेकेदारों ने दुकानों का संचालन शुरू कर दिया है। कुछ ठेकेदारों ने अपनी सुविधा के हिसाब से पूर्व में जहां दुकानें संचालित हो रही थी उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी है, जिसके चलते विवाद की स्थिति भी बन रही है। सदर पेंटीनाका चौक मार्ग में भी रहवासी बस्ती के मुख्य प्रवेश मार्ग में शराब दुकान स्थानांतरित कर खोले जाने का विरोध शुरू हो गया है। शाम को बस्ती के आक्रोशित महिलाओं ने सदर पेंटीना का मार्ग पर खोली गई शराब दुकान के सामने चक्का जाम कर दिया। धरना चक्का जाम में शामिल महिला नीलू रुईस ने मीडिया को बताया कि जिस स्थान पर दुकानें खोली जा रही हैं वह केंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष चिंटू चौक से की है। उन्होंने कहा कि उत्त मार्ग बस्ती का मुख्य मार्ग है, यहाँ देर रात तक कामकाजी महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में रातों रात टीन का कंटेनर खड़ा कर शराब की दुकानें खोला जाना गलत है। नीलू रुईस ने बताया कि उनके द्वारा शराब दुकान खोले जाने के विरोध में पुलिस, रक्षा, संपदा विभाग और केंट बोर्ड को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। महिलाओं द्वारा शराब दुकान को लेकर किए जा रहे चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर विधायक अशोक रोहाणी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिलाओं का आश्वासन दिया कि वे जिला प्रशासन से बात करेंगे, अगर 24 घंटे में कुछ नहीं होता है तो वे खुद पेंटीना का चौराहे पर चक्का जाम करेंगे। इधर इस मामले में केंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे का कहना है कि उक्त प्लाट जहां शराब दुकान खोली गई है वहां उनके भाई के नाम पर है। उनका कहना था कि शराब दुकान का नहीं शराब का विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अब मुहिम चलाएंगे कि केंट क्षेत्र के सभी दुकानें बंद की जाए। उन्होंने विधायक अशोक रोहाणी और इशारा करते हुए कहा कि वे हम विश्वास है कि वे भी अब इस अभियान में मेरा साथ देंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हम लोग 45 पेंटीनाका के रहवासी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक दो दिन के अंदर आतावार और यहाँ पे दारू की दुकान खोल रही है, जो कि रातों रात दो दिन के अंदर खोल रही है, जो कि कैंट बोर्ड के प्रेसिडेंट चिंटू चौकसे की जगह है जिसमें रातों रात खोला गया। हमने थाने में भी इसका आवेदन दिया, जब वहाँ कोई जानकारी नहीं ली गई, उसके बाद हमने कैंट बोर्ड में भी दिया, कैंट बोर्ड के बाद हमने कलेक्टर में भी दिया, उसके बाद अपने DO ऑफिस में भी और स्टेशन सेल में भी दिया। जब उसके बाद आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम पूरी पब्लिक गण को यहाँ पे आके अपना चक्का जाम करना पड़ा। कौन है ये दुकान, कौन खुलवा रहा है? ये चिंटू चौकसे का प्लॉट है, ये दुकान कौन खुला रहा है ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये रातों रात ये कंटेनर यहाँ पे रखा गया है कल रात से। हम ये चाहते हैं कंटेनर उठा लिया जाए, क्योंकि ये रहवासी इलाका है, यहाँ से स्कूल लगा है, यहाँ कॉलेज लगा है, और पहली बात ये 2500-3000 की बस्ती है जहाँ पे हमारे बच्चे 2 साल की उम्र से लेके 10 साल 12वीं कॉलेज जाने वाले, रात में औरतें नौकरी करके घर लौटने वाली हैं, और एक बार की जगह से वो लोग ना निकल सकती क्योंकि इसका मुख्य द्वार एक ही है। यहाँ पुलिस ने भी जबरदस्ती आपको, पुलिस भी बहुत जबरदस्ती करी, यहाँ पे एक अम्मा को भी उठाने की कोशिश करी, हम लोग को थाने में बंद करने की धमकी दी, सुप्रीम कोर्ट के तहत हमारे पर कार्रवाई करने की धमकी दी। हमारे साथ अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, और बल्कि हमें सताया ही जा रहा है। कब तक ये धरना प्रदर्शन, यहाँ से नहीं उठता तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और अगर ये नहीं होगा तो मुख्य मार्ग बंद किया जाएगा, कल बरेला मंडला मार्ग बंद किया जाएगा। यहाँ मेरा नाम मीनू लुईस जी, बताइए आपका क्या विरोध था? हमारा ये विरोध था पेंटीनाका 45 के रहवासियों का कि ये दुकान यहाँ से हट जाए, जिसका कि हमें हमारे विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे का समय हमने शासन को दिया है, इसलिए आप लोग ये चक्का जाम थोड़ा एक दिन के लिए अलग कर दें। यदि ये दुकान एक दिन में अलग नहीं होगी तो हम 24 घंटे के बाद यहाँ पे मुख्य मार्ग जो मंडला है वहाँ पे चक्का जाम करेंगे, और जिसमें विधायक महोदय हमारे साथ रहेंगे और सभी पार्षद भी जो यहाँ उपस्थित थे वो रहेंगे। ये है कैंट उपाध्यक्ष श्रीमान चिंटू चौकसे का प्लॉट है, और दुकान किसकी है ये हमें ज्ञात नहीं है। आज चक्का जाम महिलाओं ने कर दिया, शराबबंदी दुकान खुल रही थी यहाँ पर, किस तरीके से पूरा चक्का जाम है ये? ये पेंटीनाका पे एक उस स्थान पर दुकान खुल रही जहाँ से रिहायशी इलाका है, स्कूल है, यहाँ की जनता की आपत्ति थी और मुझे यहाँ इनने बुलाया है। मैंने कलेक्टर साहब को से बात की, इस पे ऐसी जगह पर शराब की दुकानें नहीं खुलना चाहिए, नई जगह पर कि जहाँ लोगों को आपत्ति हो, और वास्तव में छोटी सी गली है वहाँ पे शराब की दुकान खुलना और स्कूल पास में है, मैं जनता के साथ हूँ। अभी फिलहाल हमने विचार करने का हमें समय मांगा है हमसे, तब तक नहीं खुलेगी, विचार करेंगे वो, उसके बाद कल भी दूसरा स्टेप उठाएंगे। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।